यशोमती मैया के नंदलाला। बिना कछु बताए भाग गओ। ये भी ना सोचा तेरे बिना मैया बाबा व्रत कैसे तोड़ेंगे। देखो देखो अभी भी हंस रहा है। जी क्या होगा ऐसे? रुक प्रसाद लेके आती हूँ। क्षमा कर दो मैया, पर जैसा आपके लिए मैं हूँ वैसे ही मेरे लिए मेरा भक्त इसीलिए पूरा राम का व्रत तोड़वाने जाना आवश्यक था। सुधा फिर से खो गई तुम। अरे कौन से स्वप्न लोक में चली जाती हो तुम बार बार, हमें भी बताओ। माया का प्रभाव ममता पर अधिक समय तक नहीं रह पाता प्रभु। अरे बोलो ना यशोदा, क्या सोच रही थी? मैंने ना श्री नारायण को देखो है। हाँ तो वो तो मैं भी देख रहा हूँ, यही तो है हमारे सामने। जे वाले ना तो मैंने साक्षात श्री नारायण को देखो है। वो भी अपने काना के भीतर देखो। काना के भीतर? ना मतलब कान्हा और ये दोनों आमने सामने थे। मैं कुछ समझो ना यशोदा, नारायण और कान्हा दोनों आमने सामने थे ना। मेरे कहने का अर्थ है कि कान्हा और श्री नारायण एक दूसरे के आगे पीछे थे। अच्छा तो मतलब श्री नारायण आगे थे और कान्हा पीछे था। पर अगर कान्हा पीछे था तो तुमने कैसे देखो? ओहो कान्हा आगे था श्री नारायण पीछे थे। यशोदा एक बार फिर से सोचकर बताओ कि नारायण आगे थे या कान्हा आगे था, ठीक से याद कर। बहुत बता तो रही हूँ जी, थोड़ी धुंधली धुंधली सी स्मृति है। बाबा इससे पहले कि उनके संदेह की अग्नि स्मृति की वायु पाकर और भड़क जाए, कुछ भी करो पर बुझाओ इसे। स्वप्न देखो है तुमने? हाँ, संभव है स्वप्न ही था। पर यदि स्वप्न था तो सुबह सुबह उठते ही उसकी स्मृति क्यों ना आई? अब क्यों आ रही है उसकी स्मृति? और वो भी तब से जब से मैं भोना राम के यहां से कान्हा को लेके आई हूं। और जब मैं गई थी तो छड़ी मेरे हाथ में थी, पर फिर कान्हा ने मुझे छड़ी दी और मैं बैठी हुई थी। इस बीच कछु तो हुआ है। भैया की और चेतन स्मृति वापस आ रही है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे लगता है जी जब मैं वहाँ गई ना भैया व्रत पूरा करने का सुबह मुहूर्त निकल जाएगा और अब तो भूख भी बहुत तीव्र लग रही है। हे नारायण मैं तो भूल ही गई कि लल्ला भी तो कल से भूखा है।
संतान की चिंता में सब कुछ भुला दे, ऐसी ही होती है ममता। और कान्हा को अच्छे से पता है कि इसको लाभ कैसे उठाना है। हाँ बाबा, लाभ ना, मैं तो मैया की ममता का आनंद उठाना चाहता हूँ, जितना संभव है उससे भी अधिक। बलराम, कान्हा को फिर से गौचारण आने के लिए केवल तू ही मना सकते हो। तुम में ही वो क्षमता है, हमारी टोली के मुख्य गोपालक जो हो तुम। हाँ, और कान्हा के दाव भी तो हो तुम। हाँ, वो तुमको मना ना कर पाएगा। छोटा होने के नाते तुम्हारे आदेश का पालन तो करना ही चाहिए कान्हा को। चिंता मत करो सखा, मैं कछु कहूँ और कान्हा ना माने ये तो संभव ही ना है। आज जो हुआ ना जाने और कितने समय तक मेरा सत्य आपसे छिपा रह पाएगा, इसीलिए आपसे अधिक से अधिक समय मैं आपके साथ ही बिताऊंगा। मैंने कह दिया तो समझ लो, पत्थर पे रेखा खींच गई। कल से कान्हा हम सबके साथ अवश्य आएगा, अपना सारा समय हमारे साथ बिताएगा वो। अभी तक तैयार नहीं हुए? तैयार? गौचारण के लिए चलना है ना, तुम्हें लेने आया हूँ। नाना तो मैं ना चल सकता, मुझे आज्ञा ना है। वो तो माखन चोरी के लिए भी नहीं थी, उस दिन जो वक्कासुर के सामने चले गए थे तुम, तभी तो नहीं थी आज्ञा। इसलिए आज्ञा का बहाना मत ही बनाओ कान्हा। बहाना नहीं दाओ, मैं तो सच्ची कह रहा हूँ। मैया को फिर से दुखी ना कर सकते, और हम सबको दुखी कर सकते हो तुम। आज मैं तुम्हारी एक ना सुनूंगा कान्हा। घर पे रहते हुए कितने सप्ताह हो गए तुम्हें? तुम गोपालक हो कान्हा, गोपालन करना तुम्हारा दायित्व है। आज तुम्हें हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। ना दाऊ, मैं ना चल पाऊंगा। बलराम, तुम तो कह रहे थे कि कान्हा तुम्हारी हर बात मानता है, पर इसने तो बड़े भाई का अनादर कर दिया। रुक जाओ कान्हा, सत्य बताओ, तुम छोटी माँ के कारण वन नहीं चल रहे हो या अब तुम्हें हमारे साथ रहना ही अच्छा नहीं लगता? कहीं ऐसा तो नहीं गौचारण में तुम्हारी रुचि समाप्त हो गई हो? ना दाऊ, ऐसा कछु ना है, मुझे गौचारण ही बात प्रिय है और आप सबका साथ भी। तो फिर वन चलने में क्या समस्या है तुम्हें? अपने दाऊ की बात मान लो और चलो चुपचाप। मैंने सबको वचन दिया है कि तुम हम सबके साथ चलोगे। पर दाऊ, मैंने भैया को भी वचन दिया है कि मैं नहीं जाऊंगा। इसका अर्थ है कि मेरे वचन का कोई मूल नहीं है। मैं तुमसे बड़ा हूँ कान्हा, तुम्हें मेरी आज्ञा माननी चाहिए। मुझे भी तो वचन दिया था तुमने। दाऊ, आप समझ क्यों ना रहे, मैंने कहा ना मैं नहीं जा सकता। रुक जाओ कान्हा। ऐसे कैसे नहीं आ सकते? मैंने बल्कि हम सब ने तुम्हारी हर शरारत में तुम्हारा साथ दिया है, चाहे माखन चोरी हो या गौचारण। और अब तुम अपने दाऊ को ही पीठ दिखा के जा रहे हो। दाऊ, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, पर मैंने कहा ना मैं नहीं जा सकता, मुझे मेरी मैया के साथ ही रहना है। तो फिर तुम्हारे लिए मैया ही महत्वपूर्ण है। दाऊ नहीं, सखा नहीं, गयाओ भी नहीं। कान्हा ने तो तुम्हारी बात मानने से मना कर दियो बलराम, लगतो है सच्चो भाई ना है। जानते हो इससे क्या सिद्ध होता है कान्हा? कि तुम छोटी माँ के पुत्र नहीं हो, कि तुम छोटी माँ के पुत्र नहीं हो। दाऊ, ये क्या कह रहे हो आप? और नहीं तो क्या, तुम उनके वास्तविक पुत्र होते तो
अपने दाऊ की आज्ञा कभी नहीं टालते। ऐसा मत ही कहो दाऊ, मैं अपनी मैया का ही लल्ला हूँ। मुझे तो लगता है छोटी माँ हाथ से ग्रह करके लाई है तुम्हें। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो दाऊ? क्योंकि मैं वो सत्य देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख पा रहे हो। छोटी माँ और छोटे पापा दोनों गोरे हैं, और तुम अपना रंग देख लो, स्वयं विचार कर लो। जी तो मैंने भी सोचा था, बस बोला नहीं। हाँ तो क्या हुआ, मेरी त्वचा का रंग अलग है? मैं उन्हीं का ही लल्ला हूँ। बस धूप में तुम सबके साथ इतना खेला हूँ कि मेरी त्वचा का रंग बदल को है। बड़बोली बात मत ही कर काना, स्वयं को बचाने के लिए हम पर दोष लगा रहे हो। सत्य तो ये है कि तेरी त्वचा सदैव से ऐसी थी काना। लग तो है ये कि बलन सही कह रहा है। इसका अर्थ है कि सस्य में नन काकार यशोदा काकी इसके हाथ से ग्रेट करके आए हैं। बालक हाथ में थोड़े ना मिलता है। हमारे घर में जो बछड़ा है उसको तो मेरे बाबा हाथ से ही लाए थे। पर मुझे हाथ से कोई ना लायो है, मैं अपनी मैया का ही लल्ला हूँ। यशोमती मैया का नंदलाला ही हूँ मैं। तुम्हें वन चलना है तो चलो, या फिर मत चलो। पर छोटी माँ और छोटे बाबा का लल्ला होने का स्वांग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम भी अति करते हो काना, कब एक बालक की तरह व्यवहार करते हो और कब भगवान की तरह, कुछ समझ में नहीं आता। भगवान की तरह? मैंने भगवान क्या क्या? हाँ हाँ कह दिया तो कह दिया। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, चलो। या फिर तुम सबको भी अपने मैया के पल्लू में बंद कर घर पे ही रहना है। जानते हो इससे क्या सिद्ध होता है काना? कि तुम छोटी माँ के पुत्र नहीं हो, कि तुम छोटी माँ के पुत्र नहीं हो। लल्ला रो क्यों रहे? अरे मैया को ना बताए को लल्ला, क्या हुआ? हाँ लल्ला, क्यों रो रहा है लल्ला? बता, किसी ने कछु कही है क्या? क्या होगा लल्ला? मैं आपका लल्ला ना हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हो तू? क्या होगा? आपका भी लल्ला ना हूँ मैं। लल्ला कान्हा, जे क्यों कह रहे हो लल्ला? मुझे पता चल गया है, मैं आप दोनों का लल्ला ना हूँ। कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहा हूँ, वो मेरा ही लल्ला है। ना आप मुझे हाथ से गिरा करके लाई हो। लल्ला तुझे किसने कही कि हाट में बालक मिलते हैं? मिलते हैं, पूरी गैया का बालक भी तो हाट से ही आयो है। अच्छा क्षण भर के लिए मान लिया कि हाट में बालक मिलते हैं, पर तुझे कैसे पता चला कि तुझे हाट से ही लेके आए?
मेरा रंग देखो और फिर अपना हाथ देखो, मैं रात के अंधेरा जैसा हूँ और आप दिल की उजारी जैसी। पापा का रंग भी आप जैसा ही है, बस मैं ही बावला हूँ। उससे क्या अंतर पड़ता है लल्ला? पड़ता है, तभी तो दाऊ अन्य सभी सखाओ ने ऐसा कहा। इस बात पर ध्यान मत दे, माँ की ममता और बाबा का स्नेह, इसका कोई रंग ना हो तो है लल्ला। तो फिर आप ही बताओ, भैया क्यों गोरी और मैं क्यों काला? हाट से आया क्रय होके सुन हो गए कृष्ण धीर, मैया गोरी बाबा गोरे। लल्ला मैं क्यों शाम, चल मेरे साथ, अभी सिद्ध हो जाएगो कि तू मेरा ही लल्ला है। चल ये दोनों लल्ला और मैया का मन कछु समझ ही ना आता, कछु ना कछु उत्पटांग करते ही रहते हैं। मैया ऐसे ले जा रही है मुझे कहाँ और क्यों? खाना आए हैं? कितने दिनों के बाद खाना आए हैं? आंखें पथरा गई थी मार्ग देखते देखते, आज बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन करके मेरे वन का और मेरे मन का कोना कोना जैसे खेल उठा हो। बलराम, तुम्हारी योजना का भी कोई लाभ ना हो। योजना बना के छल में फंसाना मुझे नहीं आता। इस सब में तो केवल काना ही प्रवीण है। कल उसने यशोदा काकी से हम सबकी शिकायत कर दी तो ले लग तो है कर रही थी, वो देखो। आजा, बलराम, बलराम, जी बसंती कहाँ है? जी देख, बसंती हाँ, और उसका लल्ला वो गोपी, उन दोनों की त्वचा का रंग एक सा है। कान्हा, तू देख के बता, बसंती और उसके लल्ला का रंग एक सा है? और जे देख, डमरू, इसका जन्म तो तेरे सामने हुआ था ना? हाँ? और उसकी मैया गोमती, इन दोनों की त्वचा का मिलान कर, एक सा रंग है? सब के सब गोपालक सामने आओ। अब तुम सब भी देख के बताओ, दोनों की त्वचा एक जैसी है या रंग अलग अलग है?
अलग अलग है। श्री दामा तेरी गैया जे देख सुबह उन दोनों का रंग एक सा है कि अलग अलग। तो जब सुबह और श्यामू का रंग अलग हो सकता है, डमरू और गोमती का रंग अलग अलग हो सकता है, और जे गोपी और बसंती का रंग अलग अलग हो सकता है, तो भी जे सब मैया और लल्ला ही है ना। If you want to enjoy more Mytho series content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon. Stay connected with us for more interesting and entertaining videos.